So hi guys and welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really really great. So shuru karte hain guys aaj ki video ke saath. I'm new to the channel. Hi, my name is Mansi Yadav. I'm a cabin crew for last 3 years. गाइज आज की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आज क्या वैकेंसीज निकली है और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, बिकॉज जो अभी भी वैकेंसीज चल रही है मैं उन भी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी. बिकॉज ऑफ माई फ्लाइट्स आई वॉज अनेबल टू अपलोड द वीडियो. सो यस, आज की वीडियो जो होने वाली है गाइज, आज की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ विस्तारा एयरलाइंस की वैकेंसीज के बारे में. तो आज हम वो वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ. सो यस, नाउ कैबिन क्रू की वैकेंसी जो निकली है कि इंडियन, हम मेन पता क्या जाते हैं क्राइटेरिया पे जाते हैं, सीधा सिंपल सी बात है, क्योंकि मेन फोकस होना चाहिए हमारे क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना. सो मेन मुद्दे पे जाते हैं, डिस्कस करते हैं. नाउ गाइस, विस्तारा एयरलाइंस के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट क्या फटाफट से जाके अप्लाई कर सके. नाउ इंडियन नेशनल वैलिड पासपोर्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन नेशनल हो डेफिनेटली. नाउ वैलिड पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, पैन कार्ड आधार कार्ड होना जरूरी है आपका. आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए. मिनिमम हाइट इज 155 सेंटीमीटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फीमेल्स, एंड फॉर द मेल दैट इज 170 सेंटीमीटर विच इज रिक्वायर्ड. नाउ मिनिमम एजुकेशन इज 12th पास, ठीक है, विद मिनिमम. इन्होंने सो गाइस, काफी लोग मुझसे पूछते कि मैम आप मुझे बताना चाहोगे, या मैम मुझे ना कंफ्यूजन है इस चीज के रिगार्डिंग में कि परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड होती है. सो गाइस, अभी तक मैंने काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया है साथ साथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम एलआईसी वैकेंसी निकली है, बट किसी के भी क्राइटेरिया में नहीं लिखा होगा कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है. विस्तारा इज दी ओनली एयरलाइंस जो यू नो परसेंटेज मांगती है, दैट इज 60% उन्होंने मांगा है. सो अगर अभी 12th में 60% आए हैं तो भाई वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए. मतलब टैटू अगर यूनिफॉर्म के अंदर है वेल एंड गुड, बट अगर बाहर दिख रहे चमक तो है, सुंदर से लग रहे हैं, बट दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए. नाउ BMI रेंज उन्होंने दिया हुआ है कि फॉर द फीमेल दैट इज 18 to 22, फॉर द मेल दैट इज 18 to 25. अब भाई लोग सोच रहे होंगे हमारे कि भाई BMI का मतलब क्या होता है, टेंशन मत लो यार, घर वाली बात है, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेने की बात है. नाउ BMI का मतलब होता है गाइस, लोग मुझसे पूछते कि मैम वेट कितना होना चाहिए, अगर आपने हाइट तो बता दी है क्या बात है, वेट नहीं बता रहे. सो वेट के लिए क्या होता है BMI होता है, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स. और बॉडी मास इंडेक्स का होता है गाइस कि आपका हाइट, आपके आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है. नाउ अब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, मैंने एक BMI की वीडियो भी बनाई हुई है. आप टाइप करो BMI बाय मानसी यादव, कहाँ पे टाइप करना है, यूट्यूब पे. जैसे टाइप करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी और आप देख लो ना कैसे गूगल पे जाके कैसे होता है सब कुछ आएगा, बट स्टिल कॉपी एग्जैक्ट लेना है कैसे मैंने बताया उसको BMI. अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, डॉक्टर से जाके बोलो कि मेरा BMI बता दो सर कितना है. और बाकी तो यार मेट्रो स्टेशन भी इतने होते हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो डेफिनेटली मेट्रो के बाहर भी काफी लोग बैठे रहते हैं कि जो BMI आपका हेल्थ सब कुछ बताते रहते हैं. सो आप वहां पर भी कैलकुलेट करा सकते हो डेफिनेटली. नाउ वी गो अहेड, दैट इज अ फॉर द फ्रेशर दैट इज मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, टू द मैक्सिमम इज 32 ईयर्स, ठीक है. आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. अगर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है दैट इज अ मिनिमम एक्सपीरियंस फॉर 2 ईयर्स एज अ क्रू एंड फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेंज. अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है आपका डेफिनेटली. और जो एक्सपीरियंस क्रू है उनको पता होगा कि सेप लाइसेंस में उनसे मांगा गया है. नाउ मिनिमम एज उनके लिए है 20 ईयर्स, ओके. एंड क्राइटेरिया फॉर कैबिन क्रू इन चार्ज दैट इज फॉर इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन चार्ज दैट बी एक्सपीरियंस फॉर 4 ईयर्स एज अ क्रू इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस. मैं क्राइटेरिया समझाती हूँ, फिर से जाओ और अप्लाई कर दो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. सो और जैसा भी होगा गाइज, आई विल मेक श्योर कि आपको जितना भी हो सके, जितने भी क्वेश्चंस राउंड्स एवरीथिंग मैं जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है. बट इसके लिए कोई चीज करनी पड़ेगी, बताऊँ क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा. लाइव सेशन के लिए आपको टाइमिंग पता होना चाहिए लाइव सेशन का, उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट को रीसेंट नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई आज का लाइव सेशन इतने मजा आ रहा है, ठीक है. सो आई होप आपका वीडियो हेल्प करे, और आई लव यू सो मच ईच वन ऑफ माई फ्यूचर कैबिन क्रू, यू आर माई फ्यूचर कैबिन क्रू, एंड आई लव यू सो मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हर्ट, एंड आई लव यू सो मच. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दैट इज सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, प्रेस द बेल आइकन एज वेल नोटिफिकेशन, एंड सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर.